नमस्कार आम विशेष आलोचना मत को स्वागत करी के गिरफ हे बीजेडी नेता मानस दास दलित हिंदू मान अलग करने करुले षड्र ठाकुर नुहे पूजा करने देखते धमक खोर्धा बेगुनिया मानववाद संगठन तालिबानी शासन रोटे पर गोटे खुलासा बर्तमान सामना केवल सत्यव्रत कि मगुणी नायक नुहते एमती आहरी अनेक परिवार वर्तमान अत्याचार शिकार होते हैं या आम आलोचना करवा किए से मानस दास कहीं एत प्रभावशाली और कहीं आज पर्यंत विरोध में कौन कार्यानुष्ठान तबे या आज प्रसंग रही बंधा हे बीजेडी नेता मानस दास पूरा प्रसंग रे आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती दलित नेता अशोक मल्लिक आम सहित जोड़ी होती हिंदू जागरण मंचर संपादक तन्मय दास जोड़ी या सहित आम सहित आम प्रतिनिधि खोर्धारु संग्राम होता आम सहित जोड़ी हे वर्तमान आम सहित हिंदू जागरण मंचर संपादक श्रीजुक्त दास जोड़ी होती श्रीजुक्त दास खास करी जेहेतु आपण हिंदू जागरण मंचर संपादक अच्छा आउ ये मानस दास को कथा जो बड़े सामना को आसुची आ गोटे परे गोटे वर्तमान रहस्य खोलुची कथा जी ये धर्मांतिकरण करुले लोक मज गाँव ठाकुराणी को पूजा करने मना करुले सर्वमोट उपरे दलित मानू ये धर्मांतिकरण करने चेष्टा करुले पूरा घटना को केमती देखुंत देखु ये हूँ जगन्नाथ ये हूँ नीलमाधव जानते समस्ते नीलमाधव को आम जनजाति भाई मैंने पूजा करते तेणु आम भितर विभेद सृष्टि करी जनजाति मानक विभेद सृष्टि करी एवं तथा कथित जो दलित भाई मान भाई माने विश्व मंजी बुणी एठी धर्मांतरित करिवार ये हूँ हीन चक्रांत एवं मिशनारी पैसा रे काली भी कही थी जे मिशनारी पैसा रे मानस दास रो संगठन माध्यम रे वर्तमान जो सरकारी दल अच्छी ये सरकारी दल रो प्रोत्साहन रे ये प्रकार काम चली जो थी पुलिस प्रशासन सबु देखिकरी मध्य नीरव रहु निश्चित भाव रे सुचित दास एठे गोटे प्रश्न करबा पई चाहिबे जे खास करी मानस दास जेहेतु से दलित मान धर्मांतिकरण करुले विदेशी फंड आसूला जो एत राजकीय ढंग से जीवन जापन करुले कि कथा आसूरी बीजेडी रे सामिल हवा एवं पूरा प्रशासन वर्तमान घंट घोड़ा बीजेडी अनेक कार्यक्रम चित्र सामना को आसूरी नेता मंत्री विधायक पाद छुंट ये लिंक लॉजिक टे बुझ देखे मैंने साधारण कथा अच्छी एवं सीधा कथा अच्छी पैसार आवश्यकता अच्छी तेणु विदेशी पैसा मानस दास माध्यम रे मध्य सरकारी दल पाख आसुची माने पैसा आपण जो ख्रिस्टियन मिशनरी मानंकर पैसा से माने डायरेक्टली बीजेडी एवं मानस दास लिंक रे दलित तथा कथित दलित आम तो दलित कहवा ना कहीं आम सब कही न हिंदू पतित भवे हिंदवाहा सुधरा सर्वे अर्थात प्रत्येक हिंदू आमे समस्ते भाई भाई कहीं एठी दलित नहांती तेणु ताकू गोटे राजनैतिक रूप दे ए अर्थ को ठीक भावरे सेमानंक पाखरे पहुंचाई बीजेडी रो वोट बैंक तयारी करिवारे ये तो प्रयास तेणु एथिरा बुझिवार असुविधा किछि नै श्रीजुक्त दास जो कथा आपण कहउछंती जे ये सब टंकार खेल एवं टंका माध्यम रे ही लोक मानंकु साहाज्यर प्रलोभन देखाई ए दलित मानंकु धर्मांतिकरण करुथिले आसीबे परवर्ती समय आलोचना करबा किंतु वर्तमान नजर पकाइबा ये भंडो मानस दास कोन प्रतिक्रिया रखुछन सर आपनो चॉइस आपनो कोन डाकिबे मानस भाई भी डाकिबे बना करबी कि मंचरु निजे घोषणा आछि आपनो समर्थन गुरुजी नै 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 मु गुरुजी कहिनी के भाई साहब कहला के गुरुजी कहला के आपन आपन मना करनांथि बे सीधा मुके मना करबी कि मानस भाई मना करबी सर मनोरंजन दास की सर सर
ते पूरा आपण सीधासळख प्रतिक्रिया शुणुले जे भंड मानस दास प्रतिक्रिया गणमाध्यम चिंक उठुचंती एवं प्रश्न पचार मुह बुलाई चली जाउचंती ये दृश्य पूरा सामने आपणकर अनुमय करेंगे कौ प्रकार व्यक्तित्व तो होती भंड मानस दास तेज ए बाबद आलोचना करने संग्राम आम सहित जोड़ी हे खोर्धारु कारण वर्तमान अनेक वर्तमान अंचलवासी दाबी करुछंती मानस दास को गिरफ्त करा जाउ तुरंत यहाँ नहीं जिला पुलिस किसी पदक्षेप ने गिरफ्त करा जाउ कारण जड़े नुह दुईज नुह गाँव रु परिवार वर्तमान बासुंद होती एवं बासुंद होबार कारण हो संगठन रे सेमाने रही आउ चाहिले ना से अत्याचार तक भयभीत कर गाँव रु तड़ा जाइए जहाँफल से माने बाहर जाए आश्रय नहीं प्रश्न उठू बारंबार एने की अभियोग कर पुलिस स्टेशन रे किंतु पुलिस कौन सी प्रकार कार्यानुष्ठान नहीं ना मानस विरोध में आज जितेबाला हत्यार अभियोग आसी आम पूर्व घटना संपर्क में आपको कही तीनशह दुई दफा विरोध में थी सुधा आज पर्यंत पुलिस हाथ खाली संग्राम पाखक जावा एसपी कार्यालय सम्मुखें वर्तमान धारण में लोक देखते मानस दास को केवे गिरफ्त कर बाबद अधिक आलोचनापी संग्राम वर्तमान जो मैंने आंदोलन में बसी से कौन चाहते देखो तो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग तो आलो से बस विभिन्न आदिवासी संघ संगठन बस दस रु ऊर्ध आदिवासी संगठन आबीपत दौर जिलापा एसपी को केवल तुरंत जो भंड सार भंड सारथी सहित भंड बाबा कथा कथित आत्मघोषित ए गुरुजी मानव दास को केबे गिरफ्त हो जिला पुलिस काँ कौन पर निकट में पहुँची पारे गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होती वर्तमान खोर्धा कोर्ट में आज उपस्थित रही थे मानव दास आम प्रतिक्रिया रखुलू पूर्व आप शुणुते प्रतिक्रियाटा एवं सीधा सड़क आलोचना करवा जो वकिल वरिष्ठ आईनजीवी तथा खोर्धा वकिल संघर पूर्वतन सभापति बाबू दास आम सांग आलोचना करवा जो आईनजीवी से अनेक एतरा रही अनेक अभियुक्त से अनेक नाँ 302 भी संगीन दफा रही एकाधिक हत्याकांड जड़ित अच्छा कि सरल निष्पसित आदिवासी परिवार को हरण करें आपणकर मत करे एडवोकेट मो एडवोकेट हिसाब से मत दौर आम प्रोफेशन है नोबल प्रोफेशन जो मैंने प्रोफेशन को ढाल कर जिनस कर तुरंत अरेस्ट करवा दरकार यही कि एडवोकेट जो नोबेल प्रोफेशन एवं आम मैंने यही सोसाइटी थी समस्ते बदनाम होणु मोर कह कथा आपन जो पचारे जे ता बारंबार केस अच्छी ये अच्छी मर्डर केस मर्डर केस संगीन दफा अच्छी तापर सीए फ्रिल बुलूची मुझे टीवी रे काली ना पहर दिन स्क्रोलिंग न्यूज दौला स्क्रोलिंग देखुली ओटी परप्स ओटी बीजेडी किए गोटे कहला जे आईन ता बाटर जीव मानस दास आईन ता बाटर जीव आज्ञा मु माने कि बुझीपारे वर्तमान मोर कह कथा से जी भी हो उपरे कहीं नुहंती आईन उपरे कहीं नुहंती ल इज द किंग ऑफ किंग मु क्राइम करी मु निश्चय पनिशमेंट पाइबि ल समस्त सामान ये जिनस बारंबार आमर अनरेबल अपेक्स कोर्ट बारंबार यही जिनस कन्स्टिट्यूशनल बेंच आम कन्स्टिट्यूशन से आईन समस्त सामान ए देश जे वास्तविक भाव में जो सब घटना वर्तमान मानस दास विरोध में सामना को आसला से जिते सब विरोध में दफा लगी दफा गुड़िक प्रमाण वर्तमान हस्तगत हो लोक मैंने अभियोग कर ये सब जथेष्ट नाही ना नाही मानस दास को गिरफ्त करबा पाई निश्चित आम तो आईनजीवी जो पूर्वतन खोर्धा जिला वकिल संघ सहित आलोचना करूँ आईनजीवी हेले भी जो अपराधी निश्चय अभियुक्त प्रमाणित हेले गिरफ्त करने कथा जानते एकाधिक मामला रही हत्या 302 भी संगीन दफा रही बर्तमान सुधा जिला पुलिस निकट में पहुंची पार नहीं 2012 ठार अनेक अपराधिक मामला रही अनेक हत्याकांड जड़ित से अच्छा अनेक खोर्धा सदर थाना कहतु तीन चारो मामला रही बेगुनिया थाना रही एमती राज्य अनेक स्थान रही तथापि जिला पुलिस निकट में पहुंची पार नहीं हत्या भाई अनेक अभियुक्त मैंने अभियुक्त से एतरा रही जिला पुलिस निकट में पहुंची कौन आईनजीवी बोली सुरक्षा पाँच ना आईनजीवी भाव में ना बीजेडी लीग रे सुरक्षा पाँच आप कहे शुणु आप गोटे बढ़िया जिनस पचारे आईनजीवी बोली सुरक्षा पाँच मुझे अनुरोध करी आप जे
विज्ञ सांबादिक हिसाब से आईनजीवी के सुरक्षा पाती आईनजीवी आम आईन आईनजीवी मान आम आईन को प्रांजल भाव कोर्टे प्रेस करूँ आम कि आम सुरक्षा दियो आम सुरक्षा पाइबू सेटा भूल कथा से जो लोकटी ना आप कौन से कथा भी आम बहुत दिन आगु शुणुचु ये लोकालीटे शुणुचु सी मत लगुच जिला पुलिस अपारग एवं बीजेडी लिंक रे से जेहेतु रोची कारण जो स्क्रोलींग न्यूज देला से क्लीयर जना पड़ा जे ये हूँ बीजेडी जड़े सभ्य एवं बीजेडी सभ्य जेहेतु रोची ए जिला पुलिस अपारग एवं ये जो एसपी अच्छी ये जो आई आई सी गुड़ाक अच्छा ये जो एस डी पी अच्छी एगुड़ाक सबू अपारग कारण खोर्धा बर्तमान पुलिस डंप एड जो गुड़ाक अपारग पुलिस आनी खोर्धार रखुंट ये है खोर्धार डंप एड तेणुक खोर्धा कोर्ट कौन खोर्धार लोक न्याय कौन पाइबे आज जो कौन जे ये जो ये मैंने आमर आदिवासी संघ आदिवासी निरीह आदिवासी से माने कल्चर गोटे अलग से कल्चर को नष्ट कर मुझे लोकर गाड़ी रे बारंबार देखी जय मानवा लिखाई ता माने कौन आम नुआ कल्चर ए देश में बहुत नुआ कल्चर बाहर तार गोटे गोटे कथा जे सनातन धर्म को नष्ट कर एवं नुआ कल्चर तैयारी कर ये पुलिस अपारग खोर्धारे अपारग खोर्धा है अपारग पुलिस डंपैड मानस दास को गिरफ्त करपटे देखिए सरकार घटन पूरा चुप परवर्त समय संग्राम आपको फेर बर्तमान आम सहित जोड़ी होती दलित नेता अशोक मल्लिक जोड़ी होती श्रीजुक्त मल्लिक आपन को मोर प्रश्न रही खास कर दलित मान आम सहित परवर्त समय दलित नेता अशोक मल्लिक जोड़ी हे सहित आलोचना करवा खास करी जो कथा आसुच्चे एत सब प्रमाण थाई आज पर्यंत कहीं मानस दास को गिरफ्त करा कहार बलरे बलशाड़ी हो मानस दास कथा आसुच्चे लोक को से मुंडिया मराउची लोक मैंने मुंडिया मार्च गुरुजी डाकुंटं लोक मान सा दलित मान आदिवासी मान कर प्रलोभन देखा एभली भाव में धर्मांतरण करदेशी फंड आसुच्छी जो कि राजकीय ठाणी जीवन जापन बचुची भंड मानस दास आग को आलोचना जारी रहा कि समय हो गए छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत आपण देखुंट डिबेट मत और आज प्रसंग रही केबे बंधा हे बीजेडी नेता मानस दास प्रसंगे आलोचना करुचे वर्तमान दलित नेता अशोक मल्लिक आम सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त मल्लिक आपण को मोर प्रश्न रे एभली भाव में आदिवासी एवं दलित मानू कर प्रलोभन देखा से मानक धर्मांतरण कर घटना को पूरा केमती देखुंट देखु यही घटना आज घटनी आज गणमाध्यम प्रतिनिधि जरिया कथा स्थान अच्छी मुझे धन्यवाद दे प्रथम गणमाध्यम जो मैंने कथ को आसी लोक सब आँच दुई हजार बार लगातार भाव में सी मर्डर कर दंगा करीबानी शासन चलिए खोर्धा जिला प्रशासन आरक्ष अध्यक्ष आप देवगुरी आईएसए तो संपुक्त अच्छी मुझे बारंबार अभियोग कर आज मैं कौन एवं प्रशासन आज पर्यंत एत घटना घटला पर पथरे क्यों अदृश्य शक्ति कम करते पुलिस पहुंची ना जो एफआर पट्टनायक पुत्रा जो अभियोग लिखित अभियोग कर छजन आरेस्ट किंतु से मानव दास ना थे मानव दास को पुलिस आरेस्ट नहीं पाखे पहुंची पारे यह हूँ बड़ा कथ आज तबे श्रीजुक्त मल्लिक कथा आसुच्छ वर्तमान सुधा जिते सब तथ्य सामना को आसला से लोक अभियोग करवा कथा कहतु जो भिजुआल हस्तगत हो गणमाध्यम प्रत्येक दिन टीवी स्क्रीन रे चलुच ये सब कौन सफिसेंट नुह मानव दास को गिरफ्त करने सत्य भिजुआल देखा बाप को गाई गोल बाढ़ छा लोक मो से मानस माना देखो कल जो छर आज बेघर है दिन वर्ष रास्ता बुलूं छोटी आदिवासी पर मानस नाम मुख्य सत्यनायक
পুত্র এবং সে মানস অভিযোগ করেছে সব সত্য যদি আসবে তেমন আমার নিষ্পত্তি যদি এই কথা নেই আদিবাসী উপরে যে সরকার কৌশল যে আদিবাসী বিকাশ কথা কৌশল মার বিকাশ কথা কৌশল গরিব লোক বিকাশ কথা কৌশল এইটা এখন তো বিকাশ নব না লোক সরকার এখন বিকাশ নব না কি এই যে বিকাশ নাঁরে যে দলিত অত্যাচার করছেন এবং আদিবাসী উপরে জীবন করছেন ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନାଁରେ ଏଭଳି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛି ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିଭଳି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି ଗାଁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଶାସକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଇଏ କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ଯାଇକି ତା ପାଦ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଗା ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଥିଲା ଭାଇ ସାହେବ ତାପରେ ଏବେ ଏବଂ ଇଏ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଛକ ଇଏ କୌଣସି ସଂଗଠନ ନାହିଁ ଆର କେବଳ ଅଣ୍ଡାର କଲେ ବା ମୁଁ କାଜୁ ଯେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବେଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ ଗୋଟେ କାଜୁ କି ବଡ ଆଗା ରୋଜଗାର କଥା ଏବଂ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଆକୁ ଏହା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଜନେତା ମାନେ ତା ପଛରେ ଅଛି ଦେଖା ଏଇ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ ହେଇଛି ହଜାର ଜାଗା ଜମି ଲୁଟ ହେଇଛି ଏଥିରେ ମାନବ ଦାସ ସହିତ ଏଇ ରାଜନେତାଙ୍କର ଭିତିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆଦିବାସୀ ଲୁଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଲୁଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଲୁଟ କରିବେ ଏବଂ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଜୁ କୁହନ୍ତୁ ଲୁଟ କରିବେ ଆଉ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଇଏ ଭଣ୍ଡ ମାନସ ଦାସ ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହିଁକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜରିଆରେ ମୋ ସରକାର ଚେତାଇ ଦଉଛୁ ଯଦି ମାନବ ଦାସକୁ ତାକୁ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଏ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର କେତେ ପଇସା ଅଛି କୋଉ ପାଖରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଜମି ହଡପ କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମାନସ ଦାସର ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କଣ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ମାନସ ଦାସ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଏଭଳି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ଥିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାରଥୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନେତା ବେଳେ ପାଦ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାରଥୀ ଭଣ୍ଡ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ତେଣୁ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ଗଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଉ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଘରର ମହିଳାମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାର ମୃତ କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କାହିଁ କରୁଥିଲେ ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଯେ ତୁ ପୂଜା କରନା କି କାହାକୁ ନମସ୍କାର ନା କିଛି ବାଧିଲେ ବୁଝିବା ଠାକୁର କିଛି ହବନି ଦାନ କରିପାରେ ତା ଇଚ୍ଛା ଲେଖେ ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧିପାରେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିପାରିବେନି ଯେ ତୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିନା କି ଠାକୁର ପୂଜା କରନା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଇଏ ଅଛି ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ଏଟା ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବେଦକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କିନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ତାର କୌଶଳ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼େ ଭୟଭୀତ ଶିକ୍ଷିତ ଯେମିତି ତାଲିବାନ ମାନେ ସେଠି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚଳେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଜାଗା ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେ ଜାଗ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ ଏବଂ ତାଲିବାନୀ ଶାସନଠୁ ଆହୁରି କୁଳ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ପୁଣି ରାଜଧାନୀଠୁ ମାତ୍ର 25-22 କିଲୋମିଟର ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ମାଲକାନଗିରି କୁହାଯାଏ ସରକାର ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି କୋଟପଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜଧାନୀ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଠି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର କଡା ପ୍ରହରା ଲାଗେ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ କଥା କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି କି ଏ ସରକାର ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର କହୁଛି ଆଦିବାସୀ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ କଥା କହୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2500 ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଦିବାସୀ ଆଜ୍ଞା ତା ଜମି ପଟା ମିଳୁନି ଏବଂ ତାକୁ ତା ସବର ସେମାନେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବଂଶର ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସବର ବଂଶର ତାକୁ ସହର କରିଦେଇଛି ପଞ୍ଚକଟା କରି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ତହସିଲଦାର ଆରଆଇ ମାନେ ପଞ୍ଚକଟା କରି ସମସ୍ତ ପଟାକୁ ସହର କରିଦେଲେ ବେଘର କରି ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡପ କରି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ଏବଂ ମାନବ ଦାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜମିକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତ ଯୋଜନା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ନେତା ବାବୁ ମାନେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାନେ ଶାସକ ଦଳର ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଦଳିତ ନେତା ହିସାବରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ରଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମାନବଦାସ ଏବଂ ତା ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦଙ୍ଗା କରୁଥିଲା ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ତେବେ ଚିତ୍ତା ଘୋଷମାନେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ନେତା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତ ଓହ୍ଲେଇବ ଏବଂ ଲୋଆର ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦଳିତ ନେତା ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ନଜର ପକାଇବା ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଲି ସେତିକି ଆପଣ ଯେତିକି ସେତିକି ହିଁ କରୁ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କୋର୍ଟ ଅଛି ଥାନା ଅଛି ସେ ସବୁ ହବ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ବରତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେମିତି ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି ମାନସ ଦାସ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ମନା ଗଣମାଧ୍ୟମର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମାନସ ଦାସ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଇଏ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ କାରଣ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସମୟ ସରିଛି ମତକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।